Hey, hello everybody, welcome back with a new video. मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबके YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी. फ्रेंड्स, टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या है वीडियो में. ठीक है, आज हम लेने वाले हैं रिस्क. और बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर, अगर रिस्क ना ले तो क्या हम यहां से प्रॉफिट ले सकते हैं. तो यार देखो, रिस्क हर एक फैक्टर में इन्वॉल्व होता ही होता है. आप ट्रेड्स देख सकते हैं, $100 एंड $50 की जो ट्रेड है वो प्लेस कर दी है. देखिए, $100 अपवर्ड डायरेक्शन एंड $50 अपवर्ड डायरेक्शन साइड स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं. और देखते हैं आज के इस सेशन के बाद क्या प्रॉफिट मिलता है, कितना प्रॉफिट गेन होता है. तो देखो यार, रिस्क जो है ना वो आपको हर एक बिजनेस के साथ लेनी पड़ेगी. कैसे भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, हर एक बिजनेस में आपको रिस्क लेनी ही पड़ती है. क्या रिस्क परसेंटेज रहता है, कैलकुलेटेड रिस्क आप कैसे ले सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है. आप रिस्क मैनेजमेंट को कैसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है. अभी आप देखेंगे कि दोनों की दोनों ट्रेड्स हैं वो नेगेटिव जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, चेक कर सकते हैं आप. और इन द एंड ऑफ द सेशन क्या हम प्रॉफिट ले पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है. और जैसा कि आपको पता है यार, हम जो है इन द एंड ऑफ द सेशन प्रॉफिट में ही लैंड करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो देखो अभी एक ट्रेड जो है वो क्लोज हो गई है एंड सेकंड ट्रेड जो है वो भी क्लोज होने वाली है. फर्स्ट ट्रेड जो है वो लॉस में ट्रेड क्लोज हुई है एंड सेकंड ट्रेड के लिए भी हमारे पास बहुत ही कम टाइम बाकी. यानी $50 की जो ट्रेड थी वो तो गई. अब आते हैं $100 पे. देखो लेकिन रिस्क भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है. यहां पे मेरा अकाउंट का इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं $7,400. इसीलिए ये जो ट्रेड्स हैं वो मैं ले रहा हूं. $50 की एक नई ट्रेड प्लेस हो गई है, आप चेक कर सकते हैं. और डेली टास्क कंप्लीट होने का आपको पता ही है भाई, ये डेली टास्क का मतलब क्या रहता है कि अगर आप ओके वी गॉट द प्रॉफिट. ओके, सो डेली टास्क का मतलब है कि अगर आप टास्क कंप्लीट करते हैं, ट्रेड्स लेते हैं फॉरेक्स में, फिक्स टाइम में, यानी कि आपका जो स्टेटस है वो अपग्रेड होता है जैसे ही आप एक्सपी यानी कि कुछ टास्क है वो कंप्लीट करते रहते हैं. तो यहां पे 11 सेकंड्स हमारे पास बाकी है, $50 की ट्रेड है. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. और हमारी जो ट्रेड है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में $50 की. अब एक और ट्रेड आप यहां पे देख सकते हैं $200 की. तो यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेड जो $50 की थी, वी गॉट द प्रॉफिट. एंड अब हमारे पास जो ट्रेड है करंटली रनिंग वो है $200 की. ऑफकोर्स यार, ऑफकोर्स आज जो है कुछ बड़ा ही प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे या बड़ा ही लॉस जाएगा, लेट्स सी. लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि एक्साइटमेंट से भरी हुई होने वाली है वीडियो आज की. और $50 की ट्रेड लग चुकी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेट्स सी. अब हमारे पास दो करंटली रनिंग ट्रेड्स है $200 की एंड $50 की. किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है ये भी देखना यार, ध्यान रखना कि मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है. मैनेजमेंट इन द सेंस की देखो, लास्ट ट्रेड हम प्रॉफिट ले गए हैं $200 की. अब हमारे पास $50 की डाउन ट्रेंड में एक ट्रेड जो है वो रनिंग में है. ओके, सो अब आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रहा है. ध्यान रखना और फोकस करना चीजों पे कि किस ट्रेड के बाद मैंने कितने अमाउंट की ट्रेड ली है. तीन ट्रेड यहां पे आप देख सकते हैं, तीनों में प्रॉफिट था. और अब देखो ट्रेड कहां पे हो रही है, यूरो यूएसडी ओटीसी मार्केट पे ट्रेड हो रही है. ठीक है, ध्यान रखना. अब ओटीसी मार्केट पे जो ट्रेड लेते हैं ना, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लास्ट सेकंड में आप प्रॉफिट या लॉस करते हैं, उसका भी लाइव एग्जांपल मिलेगा. आप हर एक ट्रेड जो है प्रॉफिट में भी नहीं जाओगे और हर एक ट्रेड जो है लॉस में भी नहीं जाओगे, लाइव एग्जांपल आपको मिलने वाला है. लास्ट ट्रेड हम प्रॉफिट कर चुके हैं $46 का. एंड लेट्स सी नेक्स्ट ट्रेड जो $50 की है डाउनवर्ड ट्रेंड यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है उसका वो देखते हैं. यूरो यूएसडी जो कि मेरा फेवरेट पेयर है, यहां पर ट्रेड ले रहे हैं हम. और जो नेक्स्ट ट्रेड होने वाली है वो अबाउट $100 की हम लेने वाले हैं. एंड लेट्स सी कि $100 की ट्रेड में क्या सिनेरियो होने वाला है. अभी तो $50 हमारी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट ही है एंड 19 सेकंड्स हमारे पास बाकी है. लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन. फ्रेंड्स, यहां पे एक और ट्रेड आप देख सकते हैं $200 की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक $90 की, एक $200 की. एंड लास्ट ट्रेड जो है वो हम लॉस कर गए थे. अब देखते हैं ये जो दो ट्रेड है क्या सिनेरियोस करने वाला है. $50 हमारा लॉस में है और अभी तक की बाकी सारे ट्रेड्स प्रॉफिट में है. तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ओटीसी में हम सिर्फ प्रॉफिट गेन नहीं करते हैं या ओटीसी में हम सिर्फ लॉस नहीं लेते हैं. लॉस और प्रॉफिट लाइक
डिफाइन नहीं करता भाई ओटीसी मार्केट की, भाई ओटीसी है तो हम प्रॉफिट ही करेंगे, ओटीसी है हम तुम लॉस ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हमारे पास बचे हैं 18 सेकंड्स एंड $200 की जो ट्रेड है वो भी हमारी लॉस में जाने वाली है अभी के फिलहाल की प्रिडिक्शन के हिसाब से। $90 की ट्रेड भी लॉस में गई, अब $200 की ट्रेड देखते हैं वो भी शायद गई। ओके, तो अब हमारी $200 की ट्रेड भी जा चुकी है, 90 की भी जा चुकी है, अब $500 की हमने ट्रेड ली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन। और यहां पे मैंने क्लियरली यूज किया है मार्टिंगल स्टेप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है मार्टिंगल किस तरीके से हेल्प करता है आपका लॉस रिकवर कराने में अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो ही। फ्रेंड्स, लास्ट ट्रेड जो हमारी थी $500 की वो हमने प्रॉफिट में क्लोज कर दी है। अब हमारे पास 3 करंट ट्रेड्स है रनिंग में। ओके, तो $50 की जो ट्रेड है वो लॉस में क्लोज हो गई है। अब हमारे पास 150 दो ट्रेड्स ओपन है और दोनों की दोनों अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है और अभी हमारी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट कैंडल है और बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है। लेट्स सी भाई क्या होता है। अगर इंजॉय कर रहे हो ना कमेंट्री को, लाइव कमेंट्री को, तो कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंचे और समझ आए कि क्या होता है, कैसे हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट ट्रेड गॉन, वो भी जा चुकी है और अब एक करंट रनिंग ट्रेड है $300 की। लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन। $300 की अभी ट्रेड है और एक $50 की एक्टिव है। भाई स्टार्टिंग में जरूर देख लेना एक बार कि जो बैलेंस था अकाउंट का वो कितना था और अब इस वीडियो के बाद यानी इन द एंड ऑफ द डे कितना होने वाला है, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, दोनों में से एक ही चीज होगी। और मार्टिंगल स्टेप्स को मैंने कैसे फॉलो किया है इस चीज पे ध्यान रखना, रिस्क को कैसे मैनेज किया है इस चीज को ध्यान रखना। यहां पे $300 की ट्रेड चल रही है फिलहाल हमारे पास। ओके, तो लास्ट सेकंड से हम वो प्रॉफिट में गए, लास्ट सेकंड से वी गॉट द प्रॉफिट ऑफ दिस ट्रेड इन द लास्ट सेकंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ जाते हैं और अभी मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से देखो, अभी पूरा अपवर्ड ट्रेंड था लेकिन अभी थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिला लास्ट 2 कैंडल से, लेकिन अगर होल मार्केट की बात करें तो अपवर्ड ट्रेंड पे आपको देखने को मिला है। ओके, तो हमारे पास अभी 2 ट्रेड्स हैं $150 की और दोनों के दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है। एंड लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन, ये जो ट्रेड्स है वो क्लोज प्रॉफिट में होती है या फिर लॉस में होती है। और हर एक ट्रेड अगर आपने नोटिस किया हो 1 मिनट से ज्यादा की नहीं है, और एक $50 की ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं टोटल सिनेरियो की तो यहां पे आप देखेंगे अभी प्रॉफिट में चल रही है हमारी तीनों चारों ट्रेड्स, अभी एक ट्रेड जो है वो लॉस में आप देख सकते हैं। एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं। मैक्सिमम हमारे पास 2 मिनट्स 29 सेकंड्स है, सिर्फ 2 से 3 ट्रेड्स को छोड़ के सारी जो ट्रेड्स है वो 1 मिनट की थी और बाकी 2-3 ट्रेड जो ली मैंने वो 2 मिनट और 3 मिनट की ली थी, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लास्ट 2 ट्रेड्स हमने प्रॉफिट में क्लोज कर दी है। ओके, एंड अब बात करते हैं करंट ट्रेड्स की, तो वहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही चल रहा है, एक पे प्रॉफिट चल रहा है एक पे लॉस चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग से सिचुएशन है एंड उम्मीद करता हूं वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ज्यादा अपडेट्स चाहिए, ओके, तो लास्ट ट्रेड हमने प्रॉफिट में क्लोज किया यानी वो जो रेड कैंडल वाला ट्रेड था वो प्रॉफिट में क्लोज किया। अब हमारे पास $50 की ट्रेड है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। ओके, और एक और मैंने प्लेस कर दिया यानी 2 ट्रेड हमारे पास सेम डायरेक्शन में है एंड प्राइस रेंज जो है अभी 1.20631 पे अभी है, स्टक है, और इससे अगर ऊपर जाता है तो हम प्रॉफिट लेंगे। ओके, तो एक चीज जरूर बता देता हूं आपको यार फ्रेंड्स कि अगर आपको ज्यादा अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाती है, हालांकि अगर कोई वीडियो भी मैं अपलोड करता हूं तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही आती है। तीनों ट्रेड्स अभी प्रॉफिट में ही चल रही हमारी और $100 की ट्रेड भी आप देख सकते हैं, तीनों ही ट्रेड प्रॉफिट में ही चल रही है। देखो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड्स हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड्स लग रही है, तो चीजें समझना, कई बार कोई चीजें स्किप हो जाएंगी बोलना और कई चीजें ऐसी होंगी जो शायद नहीं बोलने की जरूरत है वो भी आ जाएगी वीडियो के अंदर। लेकिन देखो यहां पे हमने 2 ट्रेड जो लास्ट रनिंग थी उस पर प्रॉफिट ले लिया है $46 का और एक फिनिश होने ही वाली है अबाउट 46 लाइक $100 की जो ट्रेड है वो फिनिश होने वाली है। लास्ट 4 सेकंड्स रिमेनिंग। ओके, ये चली गई है नेगेटिव में एंड लेट्स सी कि कैसे। ओके, तो हम लास्ट पॉइंट से विन कर गए हैं यानी लास्ट सेकंड में वो ट्रेड प्रॉफिट में लैंड हुई। यहां पे आप चेक कर सकते हैं $92 का प्रॉफिट लास्ट सेकंड में। ओके, होता है भाई, ऐसा भी होता है।
आपको मैंने बताया था ऐसा भी होता ही है, जैसे लोग मुझे कहते हैं कि नहीं लास्ट सेकंड में हम कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, तो लास्ट सेकंड में भी आप प्रॉफिट ले सकते हो और लास्ट सेकंड में लॉस भी हो सकता है। ओटीसी मार्केट ये डिफाइन नहीं करता कि आप लॉस ही करोगे या प्रॉफिट ही करोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखो समझो चीजों को। एक ट्रेड $50 की अपवर्ड डायरेक्शन में है और $50 की ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन वाली जो ट्रेड थी जो 2 से 3 मिनट की थी वो प्रॉफिट कर गए हैं। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो ट्रेड है, लेट्स सी कि क्या होता है। देखो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड नहीं, अभी फिलहाल अपवर्ड है और कुछ कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी रेड कलर की। इवन दो जो बहुत बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, यानी कि मुझे लगता है ये डाउन ट्रेंड पे ही फिनिश होगी, बट लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हमारा जो बैलेंस था कुछ हमने स्टार्ट किया था 7200 के आसपास, वो हो चुका है 8292, तो ओवरऑल ग्रोथ है। अब तीन ट्रेड यहां पे आप देख सकते हैं $50, $100 एंड $300 की, और यहां पे दो ट्रेड हमारी लॉस में है फिलहाल के टाइम पे और एक जो $300 की है वो प्रॉफिट में चल रही है। इट डजंट मैटर कि आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे, हर एक ट्रेड के ऊपर ये मैटर नहीं करता है, बट इन द एंड ऑफ द सेशन आप प्रॉफिट में लैंड करने चाहिए, वो जरूरी है। आप कितने चौके मारते हो मैच के अंदर या कितने छक्के मारते हो वो डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड ये करेगा कि आपने कितने रन बनाए हैं मैच के अंदर और आपकी वजह से क्या टीम जीती है, ये मैटर करता है। लास्ट ट्रेड हम प्रॉफिट में नहीं क्लोज किए थे $50 की, वो लॉस हो गई है। अब हमारे पास 100 एंड $300 की करंट अर्निंग ट्रेड्स है। $300 के लिए हमारे पास जस्ट 15 सेकंड्स बाकी हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। और ओके ओके, तो हमारी लास्ट ट्रेड जो $100 की थी वो भी लॉस में क्लोज हुई है। अब हमारे पास सिर्फ 4 सेकंड बाकी है एंड लेट्स सी कि क्या होता है। 1 सेकंड एंड गॉन। ओके, तो हमारी जो 300 की ट्रेड्स थी वो भी चली गई, $100 की भी चली गई और विद इन अ लास्ट सेकंड आप देख सकते हैं लास्ट सेकंड में गई है $100 की एंड $50 की भी। फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं $500 की ट्रेड है। देखो यहां पे मैं ले सकता हूं क्योंकि अकाउंट बड़ा है, जरूरी नहीं है कि आपको भी लेना है। अगर आपका अकाउंट बड़ा नहीं है तो सोचना भी मत। अब $400 की एक और ट्रेड प्लेस हो गई है, यानी कि 500, 400, 900 की टोटल ट्रेड। तो भाई यहां पे बहुत बड़ा रिस्क है और आपको पता है रिस्क है तो इश्क है, काफी फेमस वेब सीरीज का डायलॉग है और यहाँ पे एकदम फिट बैठता है। अब दो ट्रेड रनिंग है $400 एंड $500, अगर प्रॉफिट में क्लोज होती है दोनों ही ट्रेड तो हमें $800 का प्रॉफिट होगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ओके, एंड दोनों की दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड के साथ मैंने ली है। और लेट्स सी कि यहाँ पे अभी जो प्राइस रेंज चल रहा है वो चल रहा है 1.02662 और अगर इसके आसपास भी नीचे रहता है, यानी 1.2050 के आसपास भी रहता है तो हम प्रॉफिट क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी एक और ट्रेड आप देख सकते हैं $100 की और $500 की ट्रेड हमने प्रॉफिट में क्लोज कर ली है एंड देखते हैं कि क्या होता है। अभी $400 की जो ट्रेड है काफी क्लोज है प्रॉफिट एंड लॉस बुक करने के एंड 100। ओके ओके, सो वी गॉट द प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट टू ट्रेड्स एंड जैसा कि मैंने आपको बताया रिस्क है तो इश्क है। अब $100 की ट्रेड आप देख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में एंड $200 की ट्रेड भी आप देख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी हमारे पास $300 की करंट रनिंग ट्रेड्स है। ओके, तो लास्ट जो ट्रेड है वो लॉस में क्लोज हुई है $100 की। अब हमारे पास टू रनिंग करंट सिचुएशन में ट्रेड्स हैं $200 की एंड $400 की एंड दोनों की दोनों प्रॉफिट में हम तब क्लोज करेंगे जब अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में रहता है। तो अपवर्ड ट्रेंड में नहीं रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है दोनों की दोनों ट्रेड्स का। ओके, एक ट्रेड जो है वो हमारी प्रॉफिट में क्लोज हो गई है $184 का प्रॉफिट के साथ। अब $400 की ट्रेड की बारी है एंड लेट्स सी कि क्या होता है। $400 ट्रेड्स एंड डायरेक्शन जो है हमारा अपवर्ड ही है और हमारे पास बाकी है 17 सेकेंड्स। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं 368 लास्ट पे प्रॉफिट और यहां पे आप सारी ट्रेड्स देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इतनी सारी ट्रेड्स लेंगे और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो कैलकुलेट करता हूं मैं और उसके बाद आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पे आप सारी ट्रेड्स देख सकते हैं, आज की जो ट्रेड्स है वो आप देख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट हुआ है $1700 का। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जाइए वीडियो के, पॉज कीजिए, अकाउंट का बैलेंस देखिए लाइव अकाउंट का और उसके बाद वीडियो के लास्ट में आइए और बैलेंस देखिए लाइव अकाउंट का कितना है। ओके, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपने एंजॉय जरूर की होगी और रिस्क का मतलब आप समझ गए होंगे, कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे। बड़ा अकाउंट है तो बड़े रिस्क लो, छोटा अकाउंट है तो छोटे रिस्क लो। हाँ भाई, इसी सिनेरियो पे चलो, इसी सिद्धांत पे चलो और रिस्क तभी लो जब आप उसको लेने के काबिल हो, नहीं काबिल हो तो मत लो भाई।
उसके बाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल पे फर्स्ट टाइम हो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।